दोस्तों, और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अपना चैनल है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, और यहाँ पे हम लोग फिलहाल इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं पाइथन। तो पाइथन में एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिबोनाची नंबर भी होता है। मतलब फिबोनाची नंबर इज अ कॉमन टर्म, फिबोनाची नंबर सीरीज, सीरीज। तो ये सीरीज होता क्या है? तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी पाइथन में करने को बहुत बार लगता है, या तो फिर इंटरव्यू में भी इक्वेशंस बहुत वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन है। तो होता क्या है इस फिबोनाची सीरीज? देखिए, सीरीज में सबसे पहला नंबर चालू होता है 0 से, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नंबर आ जाता है 1। तीसरा नंबर ये लास्ट दो नंबर के ऊपर डिपेंड रहता है, एडिशन ऑफ लास्ट टू नंबर्स। तो तीसरा नंबर क्या आएगा? फिर से 1 आएगा। चौथा नंबर क्या आएगा? 1+1 आएगा, 1+1=2। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? इन दोनों का एडिशन मतलब 3। बाद में इन दोनों का एडिशन मतलब 5 है। बाद में इन दोनों का एडिशन मतलब 8 और 13। और क्या हो सकता है? 21 ना। और ऐसे सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। तो फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये फिबोनाची नंबर के लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा। बनाना है कोड, बनाना है पाइथन कोड। तो या तो हम लोगों ने जो मेंशन किया है नंबर, उसके लिए फिबोनाची नंबर सीरीज बननी चाहिए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने बाहर से इनपुट दिया है कि इतने नंबर के लिए चाहिए, या तो फिर वेरिएबल नंबर के लिए चाहिए। कुछ यूजर इनपुट देगा और उसके वेरिएबल नंबर के लिए फिबोनाची नंबर सीरीज बनाना है। तो ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उसके लिए हम लोग पाइथन कोड देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले सबसे पहले से फॉर एग्जांपल यन का वैल्यू पहले डिसाइड करते हैं। देखिए, पहले 10 नंबर के लिए हम लोगों को फिबोनाची, 0 to 9 नंबर के लिए हम लोगों को फिबोनाची सीरीज बनाना है। मतलब 0 to 9 इतने नंबर के लिए हम लोगों को फिबोनाची सीरीज बनाना है, ऐसे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। तो उसके बाद में मैं क्या डालता हूँ, पहले फॉर लूप डालता हूँ ताकि मैं उसको इटरेट करते जाऊँ। मैं क्या करूंगा? जनरेट करूंगा एक एक नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, और सो ऑन। ऐसे कितने? 10, 10 नंबर आएंगे इसमें फिबोनाची सीरीज में। सीरीज ऑफ फर्स्ट 10th फिबोनाची नंबर, ऐसा होगा कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम कैसे। तो अभी क्या करना है, मैं फॉर लूप डालता हूँ, फॉर आई इन रेंज। तुमने तो ये देखा ही है फॉर लूप कैसे इंप्लीमेंट करना है, स्पेशल वीडियो भी है उसके ऊपर, पाइथन बेसिक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो स्पेशल वीडियो। तो फॉर आई इन रेंज एन, उसके बाद में एन रेंज में आई का वैल्यू मुझे मिल गया। तो सबसे पहले इफ एल्स कंडीशन डालने पड़ेंगे। इफ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जनरेट, आई विल ट्राई टू जनरेट द 0 इफ आई इज इक्वल टू कंडीशनल, कंडीशनल इज इक्वल टू 0। 0 है तो क्या करना है, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा सबसे पहले। उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, फिब फिब, और उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसका वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम ही आएगा, इफ आई इज इक्वल टू 0 मतलब सबसे पहला वैल्यू अगर आई का रहेगा, ये फर्स्ट वाला वैल्यू, फर्स्ट वाला वैल्यू एन चालू हो जाएगा 0 से। देखिए यहाँ पे रेंज ऑफ एन दिया है ना, एन चालू हो जाएगा 0 से। इफ आई इज इक्वल टू 0 एट दैट टाइम फिब इज इक्वल टू व्हाट? 0। फिब इज व्हाट? फिब इज अ नंबर व्हिच इज, मतलब एक 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 जनरेट करूंगा, ये नंबर है वो, ठीक है। व्हेन आई इज इक्वल टू 1, व्हेन आई इज इक्वल टू 2, व्हेन आई इज इक्वल टू 3, एक एक नंबर जनरेट होता जाएगा और ऐड होता जाएगा। और ये सब फिबोनाची सीरीज हम लोग एक लिस्ट में डाल देंगे। पहले मैं उसको भी डिफाइन कर दूंगा लिस्ट, पहले एम की लिस्ट बना लेता हूं मैं। तो यल क्या रहेगा? यल विल बी द लिस्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज, राइट। ये तो हो गया कंडीशन। उसके बाद में मैं करता हूँ यल इफ, अगर ये नहीं है और आई इज इक्वल टू 1 है तो क्या करना? फिब इज इक्वल टू, देखो आई इज इक्वल टू 1 है तो ये आ जाना चाहिए ना, फिब तो 1 आ जाना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली फिब इज इक्वल टू 1 में लिख देता हूँ, फिब इज इक्वल टू 1 में लिख देता हूँ। उसके बाद में मगर हम लोगों को जनरलाइज बनाना है, यल्स, यल्स ये स्पेशल कंडीशन हो गए दो, क्योंकि पहले जो दो नंबर है वो जनरेट करने के लिए हमें ये वाला कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इससे पीछे दो नंबर नहीं है ऐड करने के लिए, इससे पीछे भी दो नंबर नहीं है ऐड करने के लिए, पर ये जो नंबर है, ये नंबर के पीछे ये दो नंबर है। तो फिर और यहाँ से आगे जितने भी नंबर है उसके पीछे दो दो नंबर है,
जिसका हम एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यल्स, यल्स मतलब क्या, टिब इज नॉट इक्वल टू, टिब इज नॉट इक्वल टू 0, टिब इज नॉट इक्वल टू 1, और आई इज नॉट इक्वल टू 0, आई इज नॉट इक्वल टू 2। मतलब एल्स के बाद में जितने भी जाएंगे नंबर वो क्या रहेंगे, इंडेक्स नंबर 2 ऑनवर्ड रहेंगे। उसके पीछे दो नंबर, मतलब ये दो नंबर तो होना ही होना है, ये भी डिजिट लिया तो भी इसके पीछे दो नंबर होना ही होना है। ये दो नंबर नहीं होने का प्रॉब्लम किसके साथ है, इंडेक्स इज इक्वल टू 0 और इंडेक्स इज इक्वल टू 1 के साथ। तो यहाँ पे कोड क्या आएगा, फिफ का वैल्यू यहाँ पे जनरेट क्या हो जाएगा, देखिए फिफ इज इक्वल टू, अभी यल में मिनिमम, अगर यहाँ पे यल से स्टेटमेंट रन हो जाता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट रन हो जाता है, यल में कम कम से कम दो वैल्यू होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसा स्टेटमेंट डाल सकते हैं, एल ऑफ आई माइनस वन प्लस एल ऑफ आई माइनस टू। ये अगर स्टेटमेंट में यहाँ पे डाल देता हूं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, इफ आई इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे रहेगा वो, तो एल में क्या रहेगा, कितने वैल्यूज रहेगी, 0 वैल्यूज रहेगी। एल ऑफ आई माइनस वन रहेगा कि इसमें नहीं, यहाँ पे भी डाल देता हूँ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एल में मिनिमम ये वाला स्टेटमेंट रन ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही नंबर रहेगा, अगर एल इधर है तो 0 ही रहेगा, 0 नंबर ही रहेगा कल। पर यहाँ पे अगर ये एल्स रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक आई हैव इनफ क्लेरिफिकेशन डन ऑन दिस। और ये बन गया खाली, ठीक है, फिर मतलब क्या है, एक एक नंबर जनरेट करके दे रहा है, पर हमें क्या करना है, ये लिस्ट में एक एक नंबर डालना भी है, पर मुझे ये इफ एल्स के बाहर निकल के डालना है, फॉर लूप में प्रगर होना चाहिए, फॉर लूप के अंदर और इफ एल्स स्टेटमेंट के बाहर। और एक एंटर दे देता हूँ, एक लाइन नीचे आ जाता हूँ, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। मुझे क्या करना है, जो भी फिब नंबर बन रहा है, या तो इधर या तो इधर या तो इधर, किधर भी एक इटरेशन में आइदर ऑफ दिस थ्री एक प्लेस पे वो फिब जनरेट हो जाएगा, फिब का नंबर जनरेट हो जाएगा, और वो कहाँ पे डालना है, लिस्ट में डालना है। तो लिस्ट में कैसे डालेंगे, अपेंड करेंगे लिस्ट पे, एल डॉट अपेंड, क्या फिब, तो यल में क्या हो जाएगा, हर एक इटरेशन में, फॉर के हर एक इटरेशन में एक फिब जनरेट हो जाएगा और वो नंबर लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, खत्म। और मैं बाहर आके प्रिंट करूंगा यल को, तो क्या दे देगा मुझे, यल दे देगा मुझे फिबोनाची सीरीज ऑफ हाउ मेनी नंबर्स, 10 नंबर्स। देखते चलो रन करके देखते, आ गया, देखिए 0, ये देखिए एडिशन ऑफ दिस टू 1, एडिशन ऑफ 1 एंड 1 2, ये 3 देखिए लास्ट 2 नंबर का एडिशन, 5 देखिए लास्ट 2 नंबर का एडिशन, 8 देखिए 13 21 34। हाँ, क्या मैं 100 फर्स्ट नंबर का एडिशन कर सकता हूँ, सिंपल यहाँ पे करिए, ये देखिए 100 नंबर का फिबोनाची सीक्वेंस। अब ये क्या रहेगा, एडिशन ऑफ दिस 2 नंबर्स, खत्म। ओके, मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ इसको कि यूजर बोलेगा कितने नंबर का फिबोनाची सीरीज निकालना है और उतने नंबर का फिबोनाची निकालना चाहिए, तो इसमें कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा, देखिए चलो, यन इज इक्वल टू इनपुट, और क्या बोलते हैं, इंट ऑफ इनपुट, इनपुट एंटर नंबर, नंबर फॉर विच वी वांट फिबोनाची सीरीज, और ये नंबर यूजर ने देना है। अभी देखिए मैं रन करता हूँ, ओके, कितने नंबर के लिए चाहिए आपको, 20 नंबर के लिए चाहिए, 20, तो देखिए 20 नंबर का फिबोनाची सीरीज एंटर करके बराबर आ जाएगा। देखिए पहले 20, अगर एक काउंट करोगे आप तो ये 20 नंबर का फिबोनाची सीरीज बन चुका है, समझ में आ गया। ओके, क्या हम इसको फंक्शन में बदल सकते हैं, तो मैं ऐसे एज इट इज रखता हूँ और मैं आपको इसी चीज को फंक्शन में बनाने बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्या करना है, खाली ये देखिए हम लोग ये इधर से बाद में दे देंगे, ठीक है, डेफ फिबोनाची, फिबोनाची ऑफ
ऑफ यंग, ऑफ यंग, और ये क्या रहेगा फिब, इसके अंदर हर चीज अंदर चली जाएगी फंक्शन के, चलेगा ये फंक्शन के अंदर चला जाएगा हर चीज। और क्या बता, चेंज करने को जरूरत है, ये प्रिंट करने के अलावा मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बोल दूंगा रिटर्न, क्या बोल दूंगा रिटर्न, रिटर्न या रिटर्न करना है, रिटर्न यल 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 रिटर्न, क्या करना है यल का। और यहाँ पे ये तो फंक्शन हो गया, चलो ये तो फंक्शन हो गया, रन हो गया, बाद में हम लोग अलग लाइन से कॉल करेंगे इसको भी। चलो क्या बोलेगा, यूजर बोलेगा कि मुझे, या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिबो, फिबोनाची, फिबोनाची ऑफ कितने नंबर के लिए चाहिए आप बोलो, 25 नंबर का निकालेंगे और खत्म इसको कॉल करने से। ये देखिए 25 नंबर का फिबोनाची नंबर बन गया, हमने सेम सेम कोड को, सेम कोड को, यही कोड को फंक्शन के फॉर्म में दे दिया। अभी अभी देखिए फिबोनाची नंबर का ही फंक्शन बन गया ना, कोड में कितने भी टाइम, कोड में सेम कोड में कितने भी टाइम हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एंड देयर इज अ मेथड, ये अदर पैकेज से भी, इस पैकेज में का जो कोड है या ये इस कोड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे थोड़े दिनों के बाद हम देखेंगे इसी इसी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में कि हाउ टू कॉल इफ 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 देर इज अ फंक्शन अवेलेबल इन अनदर पैकेज और अनदर वी कैन से प्रोग्राम इन द सेम पैकेज, देन उसको हम लोग यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, सेम नंबर में कैसे यूज करना है देख सकते हो आप। ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, यहाँ से खाली मैंने क्या किया, फिबोनाची कॉल किया यन का, और यहाँ पे वो कॉल हो गया, कुछ भी देख सकते हो। 5 नंबर का फिबोनाची निकालना है आपको, देखिए ये फिबोनाची नंबर को कर, कितने भी टाइम हर 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 एक अलग जगह से भी आप लोग कॉल करते हैं, फिबोनाची ऑफ कितना, 9, तो ये बन गया। ओके दोस्तों, मेरा ख्याल है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हाउ टू इम्प्लीमेंट फिबोनाची सीरीज ये पता चल गया होगा, हम लोगों ने वेरियस मेथड से या तो वेरियस फॉर्म से उसको कैसे बनाना है वो देख लिया है। और अगर कोई डाउट है तो यू कैन कम्युनिकेट विथ मी, यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन टू कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके अगली सीरीज ऑफ लेक्चर के लिए आप बेल आइकन दबाइए, उसके वजह से आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है आप जब भी अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ठीक है, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।